पीसी मेंबर जनाब सरदार वाजिद बशीर खान साहब आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जो कि पहाड़ी कबीले के एक तेज तरार युवा लीडर हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं, जब 4 अक्टूबर को हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब मोहतरम अहमद शाह साहब रजौरी के अंदर रैली करने आए, पुंछ और मेंढर से पैदल हजारों की तादाद में काफला लेकर जनाब डीडीसी मेंबर वाजिद बशीर खान, जिनको प्यार से सरदार टिकू खान कहते हैं, ये वहां से निकले थे और पैदल पैदल लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय करते हुए रजौरी की उस रैली में पहुंचे थे। मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे सीनियर लीडर्स श्रीमान तरुण चुग साहब, जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं, और साथ ही साथ श्रीमान दलीप सैकिया जी, जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के और लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट हैं, और उनके साथ साथ डॉक्टर निर्मल सिंह जी हो, सत शर्मा जी हो, देवेंद्र सिंह राणा जी हो, श्रीमान केवेंद्र गुप्ता जी, सुरजीत सिंह सराफिया जी और डॉक्टर देवेंद्र मनियाल जी से गुजारिश करता हूं, फूल माला डॉक्टर जनाब टिकू खान साहब को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करें। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों से सरदार टिकू खान साहब। बहुत बहुत मुबारकबाद है टिकू खान साहब। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सर सर सर, पहाड़ी कबीला, पहाड़ी कबीला, और भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उसको सामने रखकर काम कर। टिकू खान जी, आपका स्वागत है, आपके सभी साथियों का भी स्वागत है। आगे बढ़िए, पार्टी के काम को आगे बढ़ाइए, जनता के बीच में लेके जाइए। धन्यवाद। रविंद्र राणा साहब, हमारा आपसे कमिटमेंट था कि हम अपने लोगों के साथ इस जमात में शामिल होंगे, और इंशाल्लाह हमने वो वादा पूरा किया। अभी हमारी जो 30 साल पुरानी फाइल जो दबी हुई थी, वो आपने प्लेटफार्म पर लाई, और हमारी जो वकालत दिल्ली में जाके की हमारे पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ, कि ये लोग अरसे दराज से दबे कुचले हुए लोग थे, और 3 जमातों ने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस ने हमारे इलाके में ये सिस्टम बनाया हुआ था कि गुजर और पहाड़ियों के बीच में डिवाइड करके वोट लेते थे, दिया क्या बात है, गुजर और पहाड़ियों को बराबर का हकूक, गुजर भाइयों को तो 30 साल पहले हकूक मिला था, और पहाड़ियों को 30 साल के बाद मिलने जा रहा है, और इंशाल्लाह मिलेगा भी। और आपसे ये हम वादा करते हैं कि आज से मैं इस जो बीजेपी जमात में मैंने एक किस्म की यूकेजी में एडमिशन मैंने ली है, और मैं एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते और बीजेपी का मेडल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर घर में हम बीजेपी का झंडा लहराएंगे। जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा एक दिन है। आज हमारे डीडीसी के मेंबर सरदार टिकू खान आज फॉर्मली भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो गए हैं, और जैसे उन्होंने आशा व्यक्त की है, मंदर लोकसभा के साथ आगामी विधानसभा चुनावों में भी उस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी हो,
उनको बड़ी बहुमत से वहां से जीत करके जम्मू कश्मीर में अपना सरकार बनाने में आप सब लोग मदद करेंगे। हमारे 20वें प्रदेश अध्यक्ष जी है, हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री जी है, हमारे वरिष्ठ नेता गुप्ता जी है, सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं आज आपके सामने हैं। पन प्रधान भारतीय जनता पार्टी के आदर्शवान नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश विकास के गति एक बहुत ही तीव्र गति से, जिसको बोला जाता है तीव्र गति से, आज भारत के विकास आगे बढ़ रहा है। हम जब स्टूडेंट्स लाइफ में विद्यार्थी परिषद में काम करते थे तब एक नारा हम देते थे, जम्मू कश्मीर हो गुवाहाटी, जम्मू हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, ये नारा हम लगाते थे। इस समय जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यहाँ कच्छ से या कोहिमा तक, नागालैंड तक, ये भारत माता के ये 36 हमारे स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज आज भारतीय जनता पार्टी के दमन आज थम रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में उम्मीद लगा के बैठा हूं, जिस तरह जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों से विकास का एक नया दौर प्रारंभ हो गया है, जम्मू कश्मीर के हमारे भाई बहन फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को यहां सरकार बनाने में सब लोग Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info call on 9469-888-333.